अब कंस्ट्रक्शन में ये बात कर लेते हैं कि हमारा जो स्टेयर एक बाहर से था, एक भीतर से स्टेयर है जो हम वीडियो में आप साइड बाय साइड देखते आएंगे कि स्टेयर का क्या वर्क किया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने कमर्शियली देखा था कि बाहर से अगर किसी को जाना है तो बाहर से हमें हमेशा स्टेयर को बड़ा रखना है। कमर्शियल जब भी आप प्रोजेक्ट को डिजाइन करिए, ये सिविल इंजीनियर हो या आर्किटेक्ट, ऐसा रखिए कि कम से कम ये राइजर जो है हमारा स्टेयर का, ये 4 इंच का होना चाहिए और ये ट्रेड मिनिमम 11 इंच से 12 इंच का होना चाहिए। इसके होने से आपका जो स्टेयर है वो यूनिफॉर्मली ऊपर चढ़ सकता है। कोई भी लोग, अगर मान लीजिए वृद्ध अवस्था के भी लोग आते हैं, क्योंकि होटल है, होटल में तो हर तरह के लोग आएंगे, और उनके कंपैटिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। अब इसका कंस्ट्रक्शन इस तरह से दिखाएंगे कि आपको बाहर से कैसे हमने इसमें स्पेस को यूटिलाइज किया है। सबसे देखिए, पहले ऊपर जो हमारा ये स्पैन लेंथ है, ये 5 फीट का कैंटिलीवर स्पैन है, और इसका लोड हमने बाहर डिस्ट्रीब्यूट इसलिए किया है कि यहाँ पर अगर रेलिंग चलेगी तो हमने 5 इंच चौड़ा का ये डाउन बीम चलवा दिया है, जिससे लोड उसका इक्वलाइज हो सके, और कभी भी बाहर वाटर ऐसे कोई रेन अगर आता है तो उससे आपका फ्रंट फेस में आपका जो एक्सटेरियर फैसाड है उसमें क्रैक्स जनरेट नहीं होंगे। अब बात करते हैं सीढ़ी की, जो सीढ़ी बाहर हमने किया है, तो इसका लंबाई देखिएगा तो ये 6 फीट की है। ट्रेड इसका 4 इंच यूनिफॉर्म रखा है, और सॉरी राइजर 4 इंच का है और ट्रेड हमारा 11 इंच का है। तो देखिए पैर जैसे हमने रखा है इस पर, तो 11 इंच का है ये, तो हमारा क्लियर यहाँ पे आ रहा है। ये जब फाइनलाइज हो जाएगी, मार्बल ग्रेनाइट लग जाएगा, तो ये पूरा इस पर आएगा, तो आदमी आराम से चल सकता है। इस साइड से यहाँ से रेलिंग चलेगी, वो फाइनलाइज वीडियो हम आपको दिखाएंगे जब ये पूरा पूर्ण हो जाएगा। तो आप भी जब भी अपना कंस्ट्रक्शन कमर्शियल प्रोजेक्ट में कर रहे हैं तो इसी तरह से आप अपना कम से कम राइजर रखिए, जिससे चढ़ने में लोगों को आसानी हो सके। अब चलते हैं नीचे में और दिखाते हैं कि कैसे इसका एक कॉमन होटल का जो रूम होता है वो किस तरह से दिखता है।